सर पहले अपना परिचय दीजिए। मैं महेश शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ। उत्तर प्रदेश में कहाँ से? हरदोई से। हरदोई से जी। सर क्या ऐसी प्रमुख मांगे लेकर के आज आप जंतर मंतर आए हैं? देखिए, ये बाल विकास पुष्टाहार विभाग 1975 से संचालित है, इसको लगभग 45 वर्ष हो गया है और इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भारत सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा अल्प मानदेय देकर भीषण शोषण उत्पीड़न किया जा रहा है। अभी पिछले जो विधानसभा के चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि यदि मैं सत्ता में आया तो 120 दिन के अंदर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि की जाएगी। लेकिन अभी 2 साल होने को है, उनका 120 दिन पूरा नहीं हुआ है। यद्यपि केंद्र सरकार के द्वारा 1500 रुपये मानदेय में बढ़ोतरी की गई, लेकिन इस भीषण महंगाई और जितने कार्यों का दायित्व इन पर है, जितना ये कार्य करती हैं उसको देखते हुए ये ऊँट के मुँह में जीरे के समान है। और समान कार्य का समान वेतन, यदि ये एक राज कर्मचारी के बराबर कार्य करती हैं तो इन्हें राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए। और यदि सरकार ने लोकसभा के चुनाव से पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को न्यूनतम वेतन कानून के तहत 18,000 या 20,000 रुपये मानदेय देना सुनिश्चित नहीं किया तो होने वाले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में 4 लाख और पूरे देश में 28 लाख आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, इनका तो वोट इनको नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को, जो इतनी भीषण सर्दी में 1,000 किलोमीटर दूर से चलकर अपने दुख दर्द को बयां करने के लिए देश की सबसे बड़ी पंचायत जहां लगती है पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ को बुलंद करने आई हैं, इनकी आवाज़ को सुने और इनकी मांगों को पूरा करें। निश्चित तौर पर अगर सम्मान देना चाहते हैं महिलाओं को तो हमारे देश में सबसे बड़ा महिला बाल विकास पुष्टाहार विभाग है, जिसमें 28 लाख की संख्या में महिला कार्यरत हैं। अगर महिलाओं को सम्मान देना चाहते हैं तो इनको कम से कम 18-20 हज़ार सम्मानजनक मानदेय देना सुनिश्चित करें, तभी जो है आंगनबाड़ी वर्कर्स उनका साथ देंगी, अन्यथा लोकसभा के चुनाव में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं रमेश प्रकाश राव, संस्थापक अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ। ये उत्तर प्रदेश की यहाँ पर जंतर मंतर में सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सुबह से अपना धरना प्रदर्शन कर रही और इनकी मांग है कि इनको शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। ये पिछले 43 वर्षों से अल्प मानदेय के आधार पर काम कर रही हैं। 43 साल से उत्तर प्रदेश की 4 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को अभी तक शासकीय कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया और इस बीच में हम लोग दर्जनों बार संसद भवन पर और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तमाम धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन सरकार से आंशिक सफलता तो मिली, समय समय पर अल्प मानदेय में वृद्धि हुई, लेकिन हम लोग जो शासकीय कर्मचारी का दर्जा चाहते हैं वो अभी तक नहीं हुआ। चुनाव आने वाला है और 1 फरवरी को केंद्र सरकार का बजट पेश होना है। हमारी भारत सरकार से मांग है कि जब तक इनको शासकीय कर्मचारी का दर्जा नहीं दे दिया जाता तब तक न्यूनतम वेतन कानून का विधेयक पारित करके और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी कार्यकर्त्री और सहायिकाओं को 18,000 रुपये का मानदेय दिया जाए और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी आगामी 2019 के चुनाव के घोषणा पत्र में स्पष्ट वादा करे कि अगर हमारी देश में पुनः सरकार बनती है और देश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश की 28 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा, ये चुनावी घोषणा पत्र में स्पष्ट वादा किया जाए और सरकार बनने के बाद सरकारी कर्मचारी इनको घोषित किया जाए, क्योंकि इनके आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है, बहुत शोषण उत्पीड़न होता है। और अब तक की ये योजना 2 अक्टूबर 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जिन्हें इस योजना को शुरू किया था,
43 साल इस योजना को चलते हो गया, 44 साल होने जा रहा है, चल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक इनको न्यूनतम वेतन तक नहीं मिल पाया। देश में कौन सा ऐसा विभाग है जो 44 साल से चल रहा हो और उनको 5000 रुपया वेतन मिल रहा हो? सरकारी कर्मचारियों के समान आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां भी काम करती हैं, समान काम का समान वेतन के कानून के सिद्धांत अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है। एक तरफ आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। ये कैसा सबका साथ सबका विकास है? किसी को 5000, किसी को 50000, किसी को 5 लाख, ये तो असमानता है। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि समान काम का समान वेतन कानून के सिद्धांत पर भी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को कम से कम इस महंगाई में, और वर्तमान सरकार न्यूनतम वेतन का विधेयक पारित करके और उसकी परिधि में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री मिनी कार्यकर्त्री सहायिकाओं को लाकर 18000 रुपये का मानदेय दे, और भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र में इनको शासकीय कर्मचारी देने का स्पष्ट वादा करे और केंद्र में सरकार पुनः बनने पर इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। अन्यथा आगामी चुनाव, अगर ऐसा नहीं किया गया तो आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को देश की 28 लाख और प्रदेश की 4 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का विरोध का सामना करना पड़ेगा, और ये अपने वोट से सरकार को बेदखल करने की पूरी ताकत लगाएंगे। इस पे क्या सरकार से क्या अपील करेंगे? देखिए, एक मिनट, आप हम सरकार जितनी हमसे अपेक्षा रखती है हम उससे कई गुना मेहनत करते हैं, क्योंकि हम भी घर परिवार वाले हैं और घर परिवार सबको लेके चलना है, उसमें ये काम भी करना है। उसके बाद फिर अपने विभाग के अलावा आप शिक्षा विभाग उनमें भी सहयोग करते हैं, स्वास्थ्य विभाग में भी सहयोग करते हैं, राजस्व विभाग में BLO की ड्यूटी करके सहयोग करते हैं। हर विभाग में जो हमसे अपेक्षा की जाती है हम पूरी सहभागिता अपनी निभाते हैं, लेकिन सरकार हमें जो सब्जी में आलू होता है उबाल के रख लिया जाता है और सब्जी बनती है कोई चीज़, और जब कम पड़ जाता है तो उसमें मैश करके आलू डाल दिया जाता है, बढ़ जाता है, काम चल जाता है। तो सरकार ने उबाला हुआ आलू एक रखा है ये, कि कहीं किसी विभाग में कमी हो आंगनबाड़ी को बुला लो। तो ठीक है, हम सहर्ष स्वीकार है, हम काम करेंगे, लेकिन हमको काम के बदले अपनी मेहनताना मजदूरी चाहिए, जो कि 4000-4500 पर्याप्त नहीं है। आप खुद सोचिए कि इस जमाने में, इस महंगाई में 4500 में कौन सा एक बच्चे को कायदे से आप स्कूल में नहीं पढ़ा सकती हैं। हम पूरे गांव की सेवा करें, हम पूरे गांव का कुपोषण दूर करें, और हमारे घर के बच्चे कुपोषित हो रहे हैं। तो हम बस सिर्फ इतना ही मांगेंगे इस समय तत्काल में कि जो योगी जी ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में हमसे वादा किया था कि 120 दिन के अंदर, अगर हमारी सरकार बनती है तो 120 दिन के अंदर हम आपको एक सम्मानजनक मानदेय देंगे, और पूरे 2 साल हो गए और योगी सरकार के कान पे बिल्कुल सुनवाई नहीं है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन हम तो निष्ठापूर्वक काम करते हैं। तो अगर उन्होंने 120 दिन का वादा किया था तो कम से कम 2 साल पूरा होने पे तो अपना वादा पूरा करें। यानी कि आपकी जो मानदेय होना चाहिए वो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो जो वादा किया था वो पूरा करें, और नहीं तो कहे ही ना। यानी कि जुमलेबाजी, ये जुमलेबाजी है। सिर्फ चुनाव के समय ये लोग कहते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, और महिलाएं भाई उसी में, भाई सबको अपना लालच रहता है, उनको अपने सत्ता का, अपनी कुर्सी का, मठाधीश होने का लालच है। तो हमें भी अपना घर परिवार चलाने के लिए 2 पैसे का लालच है कि अगर हम मजदूरी कर रहे हैं तो हमें मेहनताना मिले, और हमें हमारा मेहनताना नहीं मिल रहा है। और ये भाजपा सरकार के लिए सबसे बड़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि इस समय जिस तरीके से चुनाव आने वाला है और जिस तरीके से ये सरकार नारी सशक्तिकरण पे लंबे लंबे बैनर, जितना ये बैनरबाजी प्रचार प्रसार में नारी सशक्तिकरण या बालिका बचाओ पढ़ाओ में लगाती है, उतना अगर वही धनराशि
वो बैनर से थोड़ी होता है, वो दिमाग से दिल से होता है। सबका साथ सबका विकास, तो ये कहाँ सबका साथ सबका, ये कहाँ सबका साथ है। हमें बिल्कुल उपेक्षित सौतेला जो व्यवहार कहा जाता है वो कर दिया गया है। तो अब भी हम ये सादर अनुरोध कर रहे हैं सरकार से, ये हम सादर अनुरोध सरकार से कर रहे हैं कि अब भी समय है और हम इस समय याचना कर रहे हैं। भाई आप मालिक हैं इस समय प्रदेश के, तो हम आपके सामने अभी याचना कर रहे हैं कि आप हमें एक सम्मानजनक मानदेय दें, नहीं तो फिर देखा जाएगा चुनाव आने वाला है। हमारे साथ ममता जी जो कि यूपी से, कुशीनगर जिले से, यूपी में कुशीनगर जिले से जिला अध्यक्ष थी